किसी भी प्रोडक्ट एनिमेशन में या किसी भी प्रोडक्ट डिजाइन में सबसे इम्पोर्टेंट उसकी परफेक्ट मॉडलिंग के अलावा आप उसे किस प्रकार से लाइट दे रहे हो यह भी इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे आप सिंपल रेंडर से एक परफेक्ट रेंडर प्राप्त कर सकते हो। सो लेट्स सी। सो मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब फिलहाल में इसमें कोई लाइट नहीं है। अपने जो वर्ल्ड की स्ट्रेंथ है वो मैंने 0 रख रखी है ताकि वो कोई भी अदर लाइट क्रिएट ना करें। तो अब सिंपली अपन एक एरिया लाइट लेंगे। यहाँ पे मैं रेंडर में आ जाता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे एरिया लाइट ले रहा हूँ, इसको अपन टॉप पे लेके जाएंगे क्योंकि ये अपनी की लाइट होने वाली है। देन इसकी स्ट्रेंथ में अराउंड 1000 कर देता हूँ। और अभी फ़िलहाल में आप ये देख रहे हो कि अपने जो एरिया लाइट है वो अपने यहाँ पे शार्प एजेस क्रिएट कर रही है जो कि अपने को नहीं चाहिए। तो इसके लिए सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आपकी एरिया लाइट के साइज़ को बढ़ा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इसकी साइज़ को बढ़ा देता हूँ अराउंड दिस और थोड़ा और ऊपर लाइक दिस। अभी थोड़ा डार्क है तो इसको थोड़ा सा और स्टैंड बढ़ा देते अपन लाइक दिस। ये हो गया। अभी ये सिंपल सादा डिज़ाइन बन गई है अपनी, लेकिन अपने को इसके अंदर और भी विजुअल इंटरेस्ट के लिए अपने को अदर लाइट भी देनी है। तो इसके लिए मैं इसमें एक एरिया लाइट और ऐड कर रहा हूँ, एक एरिया लाइट और ऐड कर लेते हैं और इसको अपन इसके बैक में रखेंगे। मेरा इस वाली लाइट को ऐड करने का मेन मोटिव ये है कि मैं अपने प्रोडक्ट पर इस प्रकार की शार्प एजेस क्रिएट करना चाहता हूँ। तो अपन ने जो इस वाली एरिया लाइट से अपने कुछ इस प्रकार की शार्प एजेस क्रिएट हो रही है, आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंस। ये पहले था, ये अपनी एरिया लाइट क्रिएट करने के बाद। सो इससे अपना जो अपना जो प्रोडक्ट है वो डिफाइन हो जाता है। इसके बाद सिंपली अपने इस एरिया जो डार्क दिख रहा है थोड़ा, इसको भी अपन हाईलाइट करेंगे। तो इसके लिए सिंपली अपन अब पॉइंट लाइट ही ऐड करेंगे। तो मैं फटाफट इसके थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ इसको, इसकी स्टैंड बढ़ा देता हूँ मैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना जो एरिया तो हाईलाइट हो गया है, लेकिन ये कुछ शार्प शेडो क्रिएट कर रहा है जो कि अपन ये चीज़ नहीं चाहते हैं। इसके लिए कभी भी आप कोई भी पॉइंट लाइट या एरिया लाइट यूज़ कर रहे हो, जब वो शार्प शेडोज क्रिएट करने लगे तो आप सिंपली उसकी साइज़ बढ़ा दिया करो, जिससे वो सॉफ्ट शेडोज क्रिएट कर देगा। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो पॉइंट लाइट ऐड करने के बाद, लेकिन अभी भी कुछ खास नहीं लग रहा है ये, क्योंकि इसमें अपने प्रोडक्ट के अलावा इसमें कोई अदर कलर नहीं है। तो इसके लिए मैं अपने एक पॉइंट लाइट और ऐड कर रहा हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। इसकी स्ट्रेंथ भी अराउंड मैं 500 कर रहा हूँ और रेडियस भी अराउंड 1.45 ठीक रहेगी। देन यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो। तो इंटरेस्टिंग लाइट क्रिएट करने के लिए मैं अपनी जिस पॉइंट लाइट का कलर चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट कलर है वो स्लाइटली म्यूटेड ब्लू है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जो पॉइंट लाइट का जो कलर हो वो कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से कुछ इस प्रकार का कलर क्रिएट करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक हेक्स वैल्यू ले रखी है और उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर और इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का विजुअल अपीयरिंग वाला इफेक्ट क्रिएट हो रहा है जो कि अच्छा लग रहा है देखने में। इसके बाद मैं एक और पॉइंट लाइट ऐड कर रहा हूँ। इस पॉइंट लाइट थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ मैं थोड़ा यहाँ पर, और इस वाली पॉइंट लाइट को मैं थोड़ा यहाँ पे ला रहा हूँ। इसकी स्ट्रेंथ में 500 कर रहा हूँ एंड रेडियस 1.4 और इसका कलर मैं थोड़ा पिंक रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपन जितने भी कलर यूज़ कर रहे हैं अभी यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का कलर कॉम्बिनेशन वाला इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर अपने जो ये वाला एरिया है अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सिंपली एक पॉइंट लाइट और लेते हैं और इसको अपने प्रोडक्ट के लेफ्ट साइड में रखेंगे। स्ट्रेंथ अराउंड वही 500 और अभी यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही ब्राइट दिख रहा है। तो इसके लिए सिंपली अपन इसकी साइज़ बढ़ा देंगे और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। आई थिंक मेरे को अपनी इस वाली पॉइंट लाइट का कलर चेंज करना चाहिए, ताकि यहाँ पे मैं जितने भी जो हैक्स वैल्यू ले रखा हूँ
वो आप एक वेबसाइट है वहाँ पे जाके अपन कलर कॉम्बिनेशन पैलेट वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और उनकी हेक्स वैल्यू ले सकते हैं ताकि अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाए। सो अपने लाइट को थोड़ा एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना सीन कुछ इस प्रकार का दिखेगा। सो इस लाइट सेटअप की ब्लेंड फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स ऑल, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। एंजॉय योर क्रिएटिविटी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।